आई एम शिखा व्यापारी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज कोई ब्लॉग नहीं है। सो आज एक हॉर वीडियो है। सो हमारे चैनल पे फर्स्ट हॉर वीडियो। सो मैंने अपनी हॉर वीडियो में मैंने अपनी हेयर एसेसरीज खरीदी है। तो मैंने हेयर एसेसरीज कहाँ से खरीदी है, पहले मैं सबसे पहले उस वेबसाइट का नाम बता देती हूँ। सो उस वेबसाइट का नाम है unboxkar.in। सो है ना, मैं हेयर एसेसरीज अफोर्डेबल हेयर एसेसरीज की सर्च में थी और मुझे ये वेबसाइट मिली। इस पर इतनी अच्छी अफोर्डेबल हेयर एसेसरीज मिलती है। सो फटाफट से अपना हॉर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्सल की बात करते हैं, unboxkar.in की पैकेजिंग की बात। सो पैकेजिंग अभी तो इनकी ये प्लास्टिक वाली है, बट अभी इनकी चेंज हो गई है, अभी इनकी कार्डबोर्ड वाली हो गई है। ये मैंने लाइक एक महीना पहले मंगाया था, सो अब हुई है, तो इसलिए ये वाली पैकेजिंग है। सो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग में है ना, आपको दिख जाएगा यहाँ पर unboxkar.in एंड इनकी ईमेल आईडी, मैसेज आईडी, व्हाट्सएप नंबर एंड वो सब दिख जाएगा आपको। एंड इस पर ना 299 के ऊपर फ्री शिपिंग मिलती है एंड आपको आई थिंक 499 के ऊपर 10% ऑफ मिलता है। सो ये वाली है पैकेजिंग। सो गाइस, आपने पैकेजिंग देख ली। सो फटाफट से अब मैं आपको मैंने क्या क्या मंगाया वो दिखाती हूँ। इसके अंदर से फर्स्ट आइटम निकालते हैं। सो फर्स्ट आइटम है ये रेड चेन प्रिंट हेयर बैंड, नोट हेयर बैंड एंड इट्स फॉर 49 एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक इट्स गुड एंड इसका इट्स वेरी गुड। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बस इसकी एक बात खराब है, इसकी साइज थोड़ी सी छोटी है, बाकी सब अच्छा है। इसमें कोई डिफेक्टिव पीस नहीं आया मेरे पास अभी तक तो, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा जिससे ये एकदम जो हेयर बैंड्स आते हैं ना, जो एकदम सिर दर्द करा देते हैं, ये उस टाइप के नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लगते हैं। आजकल ये वाले हेयर बैंड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट आइटम। सो अब निकालते हैं अपना सेकेंड आइटम। सेकेंड आइटम निकालते हैं तो क्योंकि ना मतलब अगर आप उस पर देखते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट उन पे ना ये पता नहीं बहुत ज्यादा ही महंगी मिल रही है एंड बहुत ज्यादा छोटी मिल रही है, क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जबकि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका पास साटिन मटीरियल है एंड आई थिंक इट्स गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड 49 में आई थिंक इट इज़ गुड। सो फटाफट से सेकेंड आइटम निकालते हैं, फटाफट से थर्ड आइटम निकालते हैं। सो मैंने ज़्यादा लंबा हो ये वीडियो, सो छू मंत्र। सो फर्स्ट आइटम थर्ड आइटम निकला है ये वाला चेन प्रिंट, जो ये दोनों लगभग सेम ही है बट दोनों में से कलर थोड़ा सा अलग है। ये पीछे और ये रेड है और ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है। एंड अगर आपको मैं ये वाला दिखाऊं, सो अब अपन फोर्थ आइटम निकाल देते हैं। ये 69 का और ये आई डोंट नो ये 49 का, क्यों पता नहीं, ये 69 का ये 49 का। सो अब ये वाला आई हैव द लास्ट हेयर बैंड। सो ये वाला अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, मीन्स हाँ ये वाले लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एंड आई थिंक इट्स फॉर 69 एंड 69 में बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, क्योंकि ना अमेजोन पे इट्स फॉर 430 और मुझे वो बहुत ज़्यादा महंगा लगा, तो फिर मैंने यहाँ से ऑर्डर किया है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर ना एक सिंपल क्लोथ आता है, इसके अंदर एक वायर आता है जो बिल्कुल चुभता नहीं है, मतलब एकदम होता है ना चुभते सिर दर्द हो जाता है, एंड इसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, वायर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल सीधा हो जाए ऐसा। एंड 69 ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा चीप है। अगर आप देखो ना तो सारे प्रोडक्ट्स ही चीप है। सो नेक्स्ट निकालते हैं अपन। सो नेक्स्ट फिफ्थ आइटम एंड इट्स अ येलो स्क्रंची एंड इट्स फॉर 14 रुपीज। एक्चुअली गाइस हुआ क्या था, इसकी रियल प्राइस कुछ 50-60 थी एंड जब इस पर सेल आई थी तो मुझे ये थोड़ा सा कम में पड़ गया था। सो इट्स फॉर 14 रुपीज। आई डोंट थिंक यार 14 रुपीज़ में इतनी अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, मीन्स देखो ये इसका मटेरियल उस टाइप का है ना, थोड़ा सा नेटी टाइप का क्लोथ नहीं आता, नेट भी नहीं होता और कॉटन भी नहीं होता, दोनों मिक्स होते हैं ना, उस टाइप का क्लोथ है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड यार 14 रुपीज़ में सेल आई थी, कितना अच्छा है,
आप भी जाके बाय करना अनबॉक्स का डॉटिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इस अनबॉक्स का डॉटिंग के बारे में पता चले और आप भी मेरे जैसे एक ऐसे पा सको अफोर्डेबल। सो ये है 40 रुपीज। सो नेक्स्ट आइटम है हमारा, ओके ये वाला, ये बनी ईयर्स, इट्स फॉर फ्लावर प्रिंट हेयर बो विद द बनी ईयर एंड इट्स फॉर 50। लगभग कितनी चीजें मेरे पास 50 की है। अच्छा ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बनी ईयर्स में ना इसके यहाँ पर वायर लगा हुआ है एंड इट्स लाइक सिंपल स्क्रंची है। इसके बारे में सो फ्रॉम से नेक्स्ट निकालते हैं। आप सोच रहे होगे मैं क्या पढ़ के बता रही हूँ, मैं बिल पढ़ के बता रही हूँ इनकी प्राइसेस की, याद तो कहाँ ही रहेगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास फन पर्ल हेयर बो एंड इट्स फॉर 40-39 एंड ये उस टाइप का, इसके अंदर फॉरी मटेरियल है एंड इसके ऊपर ऐसे ये वाले लगे हुए आई डोंट, और ये वाले ऐसे नहीं है जैसे ग्लू से चिपका होता है निकल जाते हैं ना, ये उस टाइप के नहीं है, उस टाइप के आते हैं जैसे पूरे अंदर से क्लोथ के साथ लगे हुए आते हैं ना, सो वो वाला एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको ये वाला तो ज़रूर बाय करना चाहिए, आई थिंक इट्स सो गुड। सो हमारा लास्ट आइटम, सो हमारा लास्ट आइटम है ये वाला। सो गाइस अगर आप सोच रहे होंगे ये क्या है, सो ये है स्पाइरल हेयर बो, आई थिंक सॉरी ये मेरे से एक गलती हो गई। आप ये सोच रहे होंगे ना ये 14 का नहीं है, ये 14 का, सॉरी। सो ये वाली जो स्क्रंची है ना, ये वाली आपको ये वाली दिख रही है, ये है ना 69 की, सर से ये वाला 14 का और ये वाला 69 का, सो ये वाला 69 का, सो ये वाला 14 का, और ये वाला इसके तो मेरे पास तो खास वजह थी। सो स्टार्ट कर दे। सो गाइस इस वाले को तो बाय करने की तो खास वजह थी क्योंकि ना फिर आपको बता देती हूँ, क्योंकि ना मतलब लो पोनी टेल्स जो बनाते हैं ना, जिनका मतलब हाई पोनी टेल्स जैसे टाइट पोनी टेल्स बनाते हैं सिंपल रबर्स में, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, मतलब स्क्रंची में इतना नहीं होता बट स्टिल वो जो सिंपल रबर बैंड्स आते हैं उसमें ज़्यादा टाइट हो जाता है। सो वो बहुत ज़्यादा सिर दर्द वाला आइडिया हो जाता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, सिर दर्द हो जाता है मेरा। सो मैंने ये उसके लिए खास ये वाली है वो ऑर्डर किया, मैं इसे यार लो पोनी टेल था इसलिए। सो गाइस कैसा लगा मेरा हॉर वीडियो, सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।